नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल ब्लेसिंग चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि शाहजहाँ ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई है, कौन कौन सी मस्जिद बनवाई है। दोस्तों, दो ट्रिक है, बिल्कुल आसान ट्रिक है। पहली ट्रिक तो यही है कि ताज के दीवाने मोतीलाल, ताज के दीवाने मोतीलाल, जो ता है वो दोस्तों ताजमहल को डिनोट करता है, जय है जैसे आप जामा मस्जिद कर सकते हैं, ताज के यहाँ पर साइलेंट है, ताज के दीवाने, दीवाने से आप दीवाने मस्जिद या दीवाने आम दीवाने खास याद कर सकते हैं, ताज के दीवाने मोतीलाल, मोतीलाल मोती से मोती मस्जिद और लाल से लाल किला। अब हम देखेंगे दोस्तों, हम इस एक ट्रिक से चार या पांच इमारतों के नाम जान गए हैं जो कि शाहजहाँ के द्वारा निर्मित है। लेकिन हम एक बात और है दोस्तों कि शाहजहाँ ने सिर्फ ये चार या पांच इमारतें नहीं बनवाई है, शाहजहाँ ने काफ़ी कुछ बनवाया है। उन सबको कैसे याद किया जाए, तो उन सब की भी एक बिल्कुल आसान सी ट्रिक है दोस्तों, मैंने याद की है, आप भी याद करें, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो काफ़ी इंटेलिजेंट केस होगा जो कि ट्रिक याद कर रहा है। चलो याद करते हैं। दूसरी जो ट्रिक है कि ताज के शीश में, देखना दोस्तों, जो ताज है ताज के शीश में जमे लाल मयूर मोती को देखकर, ताज के शीश में जमे लाल मयूर मोती को देखकर एक चीनी शाहजहाँ का दीवाना हो गया। दोबारा देखिए दोस्तों, ताज के शीश में जमे लाल मयूर मोती को देखकर एक चीनी शाहजहाँ का दीवाना हो गया। जो यहाँ पर ताज है वो ताजमहल को डिनोट करता है दोस्तों। ताज के शीश में, के यहाँ पर साइलेंट है, जो सी है सी से शीश महल, और दूसरा स है वो शालीमार जो गार्डन है जो कि शाहजहाँ ने बनवाया था। ताज के शीश में जमे लाल मयूर मोती को देखकर एक चीनी शाहजहाँ का दीवाना हो गया। तो हम शालीमार गार्डन पर आ गए थे, ताज महल शीश महल शालीमार गार्डन, शीश में साइलेंट है दोस्तों, साइलेंट है, जमे से आप जामा मस्जिद कर सकते हैं, जमे लाल से लाल किला जो कि दिल्ली में है, मयूर से मयूर सिंहासन कर सकते हैं, और मोती से मोती मस्जिद कर सकते हैं, मयूर मोती मोती मस्जिद जो कि आगरा में है, चीनी मोती को देखकर एक चीनी को देखकर एक, ये साइलेंट है दोस्तों, और जो चीनी है चीनी से चीनी का रोजा एक किला टाइप है दोस्तों, मैं पिक लगाई है साथ में, आप देखना, चीनी का रोजा जो कि शाहजहाँ ने बनवाया है, चीनी शाहजहाँ का दीवाना हो गया। जो शाहजहाँ है, शाहजहाँ से आप शाहजहाँ को ही याद कर सकते हैं, और का है का से आप कानपुर महल को याद करें। इसमें खास बात यह है दोस्तों, कई बार आता है एग्जाम में कि कानपुर महल कहाँ पर है, और ऑप्शन में होता है कानपुर, राजस्थान, महाराष्ट्र या जो भी है, और कानपुर महल राजस्थान में है दोस्तों, कानपुर में नहीं है, नाम कानपुर महल है, इस बात को याद रखना कि कानपुर महल राजस्थान में है। और उसके बाद शाहजहाँ का दीवाना हो गया, दीवाना से दीवाने आम दीवाने खास को ले सकते हैं। देखो दोस्तों, कितनी आसानी से आप ने इस ट्रिक के माध्यम से कितनी आपने इमारतें याद कर ली कि ताज के शीश में जमे लाल मयूर मोती को देखकर एक चीनी शाहजहाँ का दीवाना हो गया। इतनी बिल्डिंग आपको याद हो गई है, इतनी इमारतें याद हो गई है। अच्छा दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ट्रिक अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें,
मिलते हैं नई वीडियो में नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।